बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इरम। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एंड फैशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त क्रोशे डॉल केस के आइडियाज़ लेके आई हूँ, जिनमें आप लोग अपनी क्रोशे वर्क की और निटिंग वर्क की जो एक्सेसरीज़ हैं वो होल्ड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रोशिया की मदद से बनाई गई डॉल्स हैं, ये कितनी कॉम्प्लेक्स हैं और कितनी नाइस लग रही हैं। ज़्यादातर आप लोगों को जो डॉल्स दिखाई गई हैं, होल्डर दिखाए गए हैं, ये सिंगल क्रोशिया स्टिच से बनाए गए हैं, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया स्टिच से बनाए गए हैं, बेसिक स्टिचेस हैं। लेकिन इनके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सपर्ट्स को पता होता है। तो अगर आप लोगों को ये आइडियाज़ पसंद आएँ तो आप लोग किसी भी एक्सपर्ट से इन आइडियाज़ को कॉपी करवा सकते हैं। आप लोग इनके अंदर सिर्फ अपनी क्रोशे की एसेसरीज़ नहीं रख सकते, सिविंग की एसेसरीज़ भी इनके अंदर इजीली होल्ड की जा सकती हैं। या फिर इसके अलावा जो लोग डिफरेंट टाइप के हैंड वर्क करते हैं, उन्हें काम के दौरान एसेसरीज़ रखने में मुश्किल होती है। स्पेशली अगर हम इन पिन्स की बात करें जो हमें डिफरेंट चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, इन पिन्स को और नीडल्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ये आसपास गिर जाती हैं और चुभ भी सकती हैं, इसलिए अगर आप लोग इन नीडल्स को इस तरीके से कैरी कर लेंगे और डॉल को साइड पे खड़ा कर देंगे और अपने वर्क के दौरान पिन को निकाल के यूज़ कर लेंगे और अगेन दोबारा उसके अंदर रख देंगे, तो आप लोगों को इजीली काम करने में आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे और इजीली इन पिन्स को कैरी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्रोशे वर्क के डॉल के आइडियाज़ पसंद आए तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं। ये बहुत हेल्पफुल आइडियाज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और इनमें आप लोग अपनी तमाम निटिंग की चीज़ें आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये आइडियाज़ पसंद आए तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं। आप लोग इन्हें ट्राई करने के लिए ऑनलाइन एटसी से परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्रोशे वर्क आता है। और अगर आप लोगों को इनके पीडीएफ पैटर्न की डिटेल्स चाहिए हों तो आप लोग इट्सी और रेवलरी से इनके पीडीएफ पैटर्न भी परचेज़ कर सकते हैं और पैटर्न परचेज़ करके आप लोग इजीली इन्हें बना सकते हैं और बना के अपने काम में आसानी के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्रोशे वर्क की ये डॉल केस के आइडियाज़ पसंद आए हों तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करने हैं। नॉर्मल जो मार्केट में हमें केस अवेलेबल होते हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें आसानी से साइड पर खड़ा करके काम के दौरान में अपनी वर्किंग टेबल के ऊपर साइड पे रख के ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी क्रोशे वर्क के एक्सेसरीज़ के हवाले से आइडिया मिल जाए और अगर वो इनमें से कोई आइडिया ट्राई करना चाहें तो ईज़िली कर सकें। अल्लाह हाफिज़।